अरवल जिले में भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने लोकतंत्र का हनन किया है। कटिहार जिले में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान के ब्रेन हैमरेज होने की वजह से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जवान सुरेश शाह कैमूर जिले के महरथा के रहने वाले हैं। वहीं परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। मेरे पिताजी कहाँ चले गए कटिहार इलेक्शन टाइम में चुनाव में होमगार्ड के सिपाही जवान थे। इसके बाद में करीबन 11 बजे रात को फोन आया 7 तारीख को कि तुम्हारा पिताजी का ठंबा भाई तुम्हारा कुछ पिताजी का ठंबा तबीयत खराब हो चुका है। तो वहाँ से गांव से हम ठंबा पूरा मम्मी को मामा को भेजे रिजर्व गाड़ी कर। इसके बाद में गए पटना और पटना से उधर से जवान लेकर आए। इसके बाद में हमसे भेंट हुआ 12 बजे करीबन। इसके बाद में कहाँ चेक कराए थे मेरे पता नहीं है। इनको चुनाव ड्यूटी कटिहार गए थे, वहाँ इनका कोढ़ा विधानसभा में कमान कर रखा, कमान चुनाव कराने सुरेश शाह हैं, गिरक्षक हैं, होमगार्ड के जवान हैं। तो चुनाव ड्यूटी कटिहार गए थे तो वहाँ चुनाव ड्यूटी से इन्होंने लौटा 7 बजे हम लोग देखे। तीसरा चरण में था 7 तारीख को। तो इनका स्थिति खराब था, रोड पर पड़े हुए थे चुनाव के बाद। तो हम लोग गए तो उनको गाड़ी से ला दो के सरकारी हॉस्पिटल ले गए। जहानाबाद के कम्प्लेक्स भवन में प्रेस दिवस मनाया गया। इस दौरान डीएम नवीन कुमार ने जिले के सभी पत्रकारों को सम्मानित कर कहा कि इस कोरोना काल में जिस तरह से पत्रकारों ने काम किया है यह सराहनीय है। जहानाबाद के कडौना ओपी के अंतर्गत NH 83 पर ऑटो और बोलेरो की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक का नाम अजय कुमार बताया जा रहा है। वहीं मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जहानाबाद तरफ से बेलोनो जा रही थी, टेम्पो उधर से आ रही थी, दोनों में आमने सामने टक्कर हुआ। इसमें डेथ भी हुए हैं, एक आदमी डेथ होने की डेथ हुई है जिसका पोस्टमार्टम किया करवाया जा रहा है। कहाँ पे घटना घटी है सर, कितने लोग? ये गोदाम है, चमन विभाग के सामने गोदाम है, उसी के आसपास हुआ। गया में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर समाहरणालय में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान डीएम अभिषेक सिंह व सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी समेत तमाम मीडिया कर्मी मौजूद रहे। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व है जिसका आयोजन किया जाएगा, इसमें गृह विभाग से जो निर्देश प्राप्त हुआ है और उसके आलोक में आज सभी SDO और SDPO के साथ बैठक की गई है और कुछ छठ समितियों के साथ भी बैठक की गई है और पुनः उनके द्वारा भी अन्य अपने साथ बैठक की जाए। इसमें जो दिशा निर्देश बहुत क्लियर है कि इस वर्ष लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि आप यथासंभव यदि आप कर सकते हैं अपने घरों में आप अगर व्यवस्था है तो घरों में छठ मनाएं या घरों में ही अर्घ्य दें। जमुई के झाझा में कार्यपालक पदाधिकारी के साथ साथ मुख्य पार्षद ने सभी घाटों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान संवेदक सुनील कुमार ने बताया कि कल तक सभी घाटों की साफ सफाई का कार्य पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि महापर्व छठ को लेकर घाटों की साफ सफाई चल रही है। जितने भी घाट हैं अप्रोक्स 9 घाट हैं यहाँ पे झाझा नगर पंचायत में, और जो बजलपुरा और सिद्धेश्वरी घाट से स्टार्ट होता है और आके गणेशी मंदिर, फिर धुआं टोली घाट है बीच में और 14 नंबर, इस तरह से वार्ड सारे वार्ड्स की खुद से देखरेख में और एक पूरे प्लान के साथ JCBs एंड लेबर्स लगा के हम लोग करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कल तक अप टू डेट सारी चीज़ें हो जाएंगी।